again to our channel Edutainment, Education with Entertainment. In previous video, हमने देखा था कि sentence, clause and phrase. तो मैंने जब इसके पहले sentence and its parts जो video मैंने upload की थी, उसमें मैंने कहा था कि अगर कोई sentence complete sense ना दे तो क्या होगा, अगर group of words कोई ना दे तो क्या होगा. तो इसके जस्ट पहले जो मैंने video upload की है, distinction between सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज. तो अब हमने उनकी डिस्टिंक्शन देख ली, तो धीरे धीरे करके हम उनके अब टाइप्स पे आएंगे. तो सबसे पहले हमने सेंटेंस पढ़ा है, तो हम सेंटेंस के काइंड्स को देखते हैं, फिर हम क्लॉज के भी काइंड्स पे आएंगे, और धीरे धीरे करके हम फ्रेज के भी काइंड्स पे आएंगे. तो नंबर वन, काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि बहुत कम ही लोगों को पता होता है कि सेंटेंस दो टाइप से क्लासीफाई किए जाते हैं, दो तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं, फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली. जब आप पढ़ने लगोगे तो बहुत से लोग पढ़ाते हैं, ये देखिए ऐसी नहीं है, मैंने बहुत से कम लोगों को जानने इसलिए बारे में बताया क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि स्ट्रक्चरली फंक्शनली टाइप ही है सेंटेंस के. बहुत सारे लोग आपको ये टाइप पढ़ा देंगे पांचों, बट जब ये पढ़ाते हैं तो वो स्ट्रक्चरली नाम से नहीं पढ़ाते, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंसेस, जब इनके बीच में वो ट्रांसफॉर्मेशन इंटरचेंजिंग पढ़ाते हैं तो वे आपको बता देते हैं, बट वे आपको ये नहीं बताते कि नहीं ये स्ट्रक्चरली ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस ही है, बट ये स्ट्रक्चरली है. तो मैं बता रहा हूं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस को दो मेथड से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है फंक्शनली, एक होता है स्ट्रक्चरली. अब आप फंक्शनली स्ट्रक्चरली का क्या मतलब हुआ, तो फंक्शनली का मतलब वो किस हिसाब से काम करते हैं, उनका यूज क्या होता है, हम अपनी डेली लाइफ में उन्हें कैसे यूज करते हैं, ये हो गया आपका फंक्शनली टाइप. और स्ट्रक्चरली टाइप का मतलब वो कैसे स्ट्रक्चर हुए, उनकी संरचना कैसी है, किस हिसाब से वो बने हुए हैं, ये हो गया आपका स्ट्रक्चरली टाइप. तो फंक्शनली पे हम पहले आते हैं. फंक्शनली का पहला टाइप है असर्टिव, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, डेफिनेशन होती है मेक्स एन असर्शन और स्टेटमेंट. डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसे असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, वो एक स्टेटमेंट देता है, एक सीधी सी बात कहता है, एक वक्तव्य रखता है, अपना स्टेटमेंट बोलता है. इसमें कोई भी घुमाव नहीं होता, ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ना ही कोई एक्सप्रेशन दिखाते हैं, सीधी सी बात जब हम कहते हैं वो हम सिंपल सेंटेंस, जिसे आप असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको सिर्फ फुल स्टॉप दिखता है तो वो हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, जिसे आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, PSAS का मतलब, एंड NS का मतलब हो गया नेगेटिव सेंटेंस. तो पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब जब कोई बात सीधी सीधी कही जाए, उसमें कोई नेगेटिविटी ना हो, तो वो हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस. जैसे आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं बहुत खुश हूँ आज, तो ये पॉजिटिव है, मतलब मैं पॉजिटिव हूँ, अफर्मेटिव हूँ, सकारात्मक हूँ, अंदर मेरे पॉजिटिविटी है. आई एम नॉट हैप्पी टुडे, मैं खुश नहीं हूँ आज, तो NS ये नेगेटिविटी है. एक बात और ध्यान रखने की है कि सिर्फ नॉट लग जाने से ही सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनते. नॉट लग गया, नोबडी लग गया, नथिंग लग गया, इनसे सेंटेंस नेगेटिव नहीं होते. एक बात हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को ऑपोजिट भी अगर उसमें आ जाता है, एंटोनिम भी आ जाता है, तो वो भी सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है. इसके बाद आई होप आप असर्टिव समझ गए. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य. आस्क अ क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये हमें क्वेश्चंस पूछते हैं. तो कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिखे जिसमें आपको क्वेश्चन पूछते हुए दिखे, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया. पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि ये हमेशा क्वेश्चन मार्क पे ही खत्म होगा. इस सिंबल को आप देखे होंगे, इसी सिंबल को बोलते हैं क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ इंटरोगेशन, इंटरोगेशन मार्क भी इसे बोलते हैं. तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके के होते हैं. अब आप कहेंगे इसमें कौन सा टाइप होता है, तो जी हाँ, दो टाइप के होते हैं. एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू होते हैं, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे स्टार्ट होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं. तो चलिए उन्हें समझ लेते हैं क्या मतलब होता है. क्वेश्चन वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. तो क्वेश्चन वर्ड्स को हम कभी कभी
डब्ल्यू एच वर्ड्स भी बोलते हैं। यूजुअली अधिकतर डब्ल्यू एच वर्ड्स ही यूज होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स के तौर पे। तो जितने भी डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स हैं, व्हेन, हू, हूम, व्हेन, हूज, वेयर, व्हाई, व्हाट, ये सारे आपके क्वेश्चन वर्ड्स के तौर पे यूज होते हैं। तो पहला टाइप ये होगा जब वो क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू होता है, और नेक्स्ट टाइप है जब आपका वो हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब कोई भी वर्ब हो सकते हैं, इज, एम, आर, डू, डिड, हैव, हैज, हैड, एवरीथिंग, विल, शैल, जो भी हो उनके साथ शुरू होते हैं। तो वो दो काइंड हमने देख लिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, एक क्वेश्चन वर्ड के साथ और एक स्टार्ट हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ। चलिए थोड़ा सा और मैं टाइम देता हूँ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने के लिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा और टाइम लीजिए। इन कन्वर्सेशन, ये बहुत जरूरी, बहुत ही इंटरटेनिंग बात बता रहा हूँ कि जब हम कन्वर्सेशन में रहते हैं किसी के साथ इंग्लिश में, तो अगर कोई इंसान आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो इस टाइप का हो, इस टाइप का मतलब कि क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू हो रहा हो, तो आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं देना होता, आपको कपल ऑफ वर्ड्स बोलने पड़ते हैं, उस एक पूरा सेंटेंस आपको बोलना पड़ता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर यू डूइंग, तो बस बोल दो स्टडिंग, नहीं, आपको पूरा बोलना पड़ेगा, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, या जस्ट आई एम प्लेइंग, आई एम डूइंग सम स्टफ, जो भी है। लेकिन अगर आपसे कोई इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, अगर आपसे कोई कन्वर्सेशन मैसेज पूछता है डू यू नो इट, तो आपको आंसर्स कैसे देने होते हैं, आपको आंसर्स यस या नो में देना होता है, मतलब जस्ट अ कपल ऑफ वर्ड्स। तो फिर से हम डिस्टिंक्शन कैसे कर सकते हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन वाले वर्ड्स पूछता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुए सेंटेंसेस में बात करता है, तो आपको एक पूरे सेंटेंस की जरूरत होती है उन्हें आंसर देने के लिए। अगर वो आपसे हेल्पिंग वर्ड से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है, तो आपको बस कुछ कपल ऑफ वर्ड्स में डू यू नो हिम या आई डू, मैं जानता हूँ, बस वहीं पे आपको खत्म कर देना होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। असर्टिव हमने पढ़ लिया, इंटरोगेटिव आई होप समझ गए आप, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? तो जिसमें हम एक्सक्लेमेशन, हम अपने एक्सप्रेशंस को समझ लीजिए एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने लगते हैं, जब हमारे इमोशंस का ओवरफ्लो हो जाए, एक्सप्रेस द ओवरफ्लो ऑफ इमोशन, हमारे भावनाओं का जब, जिसको कहते हैं ना, बह जाना, ओवरफ्लो, तो जब हमारा इमोशन ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो सेंटेंसेस दिखाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ओवरफ्लो हो जाए हमारे इमोशंस का, इमोशंस क्या क्या होते हैं, तो एंगर, जैसे हमें गुस्सा आ रहा है, हैप्पीनेस, खुशी हो, शौर हो, दुख हो, हम शोक में हो, एटसेट्रा, तो वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचानने का क्या तरीका है? तो वो हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे ही खत्म होगा। तो हमें पता कैसे चलेगा व्हाट अ डे इट वाज, क्या दिन था ये, तो क्या दिन था ये का मतलब कि हम हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं इस दिन को लेकर, वाह क्या दिन था, व्हाट अ डे इट वाज, तो ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। आई होप समझ गए आप। इसके बाद है इम्पेरेटिव सेंटेंस, हिंदी में इसे बोलते हैं, बोलते तो है आज्ञा सूचक वाक्य, बट एक्चुअली में ये सिर्फ आज्ञा ही नहीं देता। तो हिंदी पे बहुत कम ही जाइएगा इनके, क्योंकि इम्पेरेटिव का मतलब होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको रिक्वेस्ट भी शो करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट भी दिखेगी, आपको ऑर्डर भी दिखेगा, और आप किसी को एडवाइस देते हैं ये भी दिखेगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्चुअली में क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट, एडवाइस या कमांड दिखता है। और एक खास बात इम्पेरेटिव सेंटेंस की, इसमें सब्जेक्ट हमेशा छिपा होता है। देखिए बिना सब्जेक्ट के तो सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं, प्लीज सिट डाउन, अब आप कहेंगे प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए, कौन बैठ जाइए, अब आप तो कहेंगे सर ये तो क्लॉज हो गया, फ्रेज तो है नहीं, क्योंकि फ्रेज क्यों नहीं है ये, क्योंकि फ्रेज में तो सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब भी नहीं होता, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट तो नहीं है, बट इसमें वर्ब है, तो क्लॉज हुआ, सेंटेंस तो है नहीं। तो आप कहेंगे कि सर ये सेंटेंस है, बिल्कुल सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है, और वो सब्जेक्ट होता कौन है, तो यू होता है। यू हमेशा इसमें एबसेंट होता है, अनुपस्थित, थोड़ा सा छिपा हुआ होता है,
तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं, जिनमें रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस दिखता है। और एक बात और, आप नॉर्मली पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पे खत्म होते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो आज का हमारा इंटरटेनिंग पार्ट ये है, इंटरटेनिंग पार्ट बोलिए या इंटरेस्टिंग पार्ट बोलिए, जो भी है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा फुल स्टॉप पे फिनिश एंड नहीं होते हैं। कुछ ऐसे अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब वो एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म होता है। अब वो परिस्थितियां कैसी आएंगी, चलिए देख लेते हैं उसे। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, यहाँ पे मैं बहुत नॉर्मली बोल रहा हूँ, बहुत मेलोइश मेरी आवाज है, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। बट आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ, मैं चाहता हूँ कि आप तुरंत बैठ जाइए, नीड यू टू सिट डाउन नाउ। जब मैं थोड़ा सा हार्श हो जाऊँ, जब आपको कोई हार्श होके बोले, तो वहां पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। आई होप समझ गए आप। फिर से अगर कंफ्यूजन है तो फिर देख लेते हैं। जानिए कि यूजुअली, यूजुअली का मतलब अधिकतर, अक्सर फुल स्टॉप पे ही खत्म होता है, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ आवश्यक परिस्थितियों में एक्सक्लेमेशन मार्क पे भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस फिनिश होते हैं। ये परिस्थितियां क्या होती है, जब आपसे कोई हार्श हो जाए, थोड़ा सा कठोर होके बोल दे, प्लीज सिट डाउन, ये बहुत मेलोइश है, आराम से बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ, अब ऐसा हुआ आपको किसी ने बोल दिया प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए, और आप बैठ ही नहीं रहो, तो वो एक ही बात झल्ला दे, आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ, आप तुरंत बैठ जाइए। तो वहां पे जब हम सेंटेंस को फिनिश करेंगे, तो वहां पे वो एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म होगा। आई होप अब जाके आपको इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। और लास्ट होता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि आपको कोई विश करता हो, या के लिए कोई प्रेयर करता हो, आप प्रार्थना करते हो, या कभी कभी कर्ज भी हो जाता है। जैसे रामायण महाभारत में जो भी साधु महात्मा होते हैं, थोड़ा सा गुस्सा है कि मैं तुम्हें शाप देता हूँ, लाइक कर्ज दे देते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो प्रेयर को शो करते हैं, प्रार्थना, विश को शो करते हैं, अगर आप किसी को विश करते हैं, किसी को शुभकामना देते हैं, और कर्ज, अगर आप किसी को बुरा भला भी कह देते हैं, तो वो इसे करते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लीजिए, जो हमेशा बोलते हैं, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, आई विश यू अ हैप्पी जर्नी, ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंडर आते हैं। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आ गया। तो एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं, हमेशा की तरह रिकॉल करना बहुत अच्छी आदत है। तो रिकॉल करते हैं, हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को हम दो टाइप से हमेशा क्लासीफाई करते हैं, नंबर वन फंक्शनली एंड नंबर सेकेंड स्ट्रक्चरली। तो स्ट्रक्चरली मैंने बोला कि अपकमिंग वीडियोस में मैं उन्हें इंक्लूड करूंगा, क्योंकि उसके लिए हमें क्लॉज के टाइप्स को पढ़ना होगा। फिर फंक्शनली हमने देखे कि पांच टाइप के सेंटेंस होते हैं, नंबर वन असर्टिव सेंटेंस, जो असर्शन करता है या एक स्टेटमेंट देता है। फिर फर्दर हमने पढ़ा कि असर्टिव भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। फिर इसके बाद हमने असर्टिव में हमने क्या पढ़ा कि हमेशा फुल स्टॉप पे खत्म होता है। इसके बाद आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछते हैं, और वो किस पे खत्म होता है, क्वेश्चन मार्क पे, यानी कि मार्क ऑफ इंटरोगेशन पे। उसमें भी हमने पढ़ा कि भैया वो भी दो तरीके से स्टार्ट होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड के साथ और एक हेल्पिंग वर्ड के साथ। क्वेश्चन वर्ड वाले का अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, उस हिसाब से आपको आंसर देना हो, तो आपको एक कंप्लीट सेंटेंस चाहिए उन्हें आंसर देने के लिए। और अगर कोई आपसे हेल्पिंग वर्ड वाले से स्टार्ट करता है, तो आपको जस्ट अ कपल ऑफ वर्ड्स, यस या नो में आपको आंसर देना होता है। फिर हमने थर्ड पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जो हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, जिस यानी कि जिस सेंटेंस में आपको इमोशंस दिखने लगे और एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म हो, वो हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो हमें रिक्वेस्ट दिखाते हैं, कोई कमांड बताते हैं और कोई एडवाइस बताते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस का इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि इसमें सब्जेक्ट हमेशा एब्सेंट रहता है, और सब्जेक्ट होता भी कौन है, यू। और लास्ट आपका आ गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमें प्रेयर बताते हैं, किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसी को विश करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, या कर्ष शाप दे देते हैं, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। तो एक बार मैं और आपको बता देता हूँ कि अगर कोई सेंटेंस आ जाए तो आपको पहचानना कैसे है। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं दोबारा कि सेंटेंस देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि कौन असर्टिव सेंटेंस है,
कौन इंट्रोगेटिव है, कौन एक्सक्लेमेटरी है, कौन इंपेरेटिव है और कौन ऑप्टेटिव है। तो अगर फुल स्टॉप पे खत्म होता है नॉर्मली, उसमें नॉट वगैरह लगा हो तो वो आपका अदर्टिव सेंटेंस हो गया। अगर क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है, इसे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंपेरेटिव भी मैंने आपको बोला कि फुल स्टॉप फिनिश होता है, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, अदर्टिव और इंपेरेटिव में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, अदर्टिव में सब्जेक्ट होगा, इंपेरेटिव में सब्जेक्ट होगा नहीं, वो एबसेंट होगा, तो आप समझ जाएंगे। और लास्ट में आपका आ गया एक्सक्लेमेटरी मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एड्यूटेनमेंट। थैंक यू।